study. So dear students, today we will study the main part of the lesson is one the storyteller. From the paragraph his own description, were greatly influenced by the Tamil authors that he read. When he was narrating even the smallest of incidents, she would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, "The road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous sushi beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree. With its dry branches spread out, Mitra could stretch himself back in his canvas chair and listen to his bones tales uncritically. The place I came from is famous for timber. Is one good again? There is a richly wooded forest all around. The locks are howled on to the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced mouth is not able to control them. After the blockage, one would launch into an elaborate anecdote involving an elephant." Now understand the explanation of these paragraphs. ईश्वर के करता है उसमें जो खुद को विवरण पढ़ता था तमिल लेखों के, जो किताबें पढ़ता था तमिल लेखों की, उसके जो विवरण थे, जो लेख थे, डिस्क्रिप्शन थी, वो भी मतलब उनसे प्रभावित होते थे। जबकि अभी भी मतलब वो कोई छोटी सी मतलब वो इंसिडेंट को बताता है तो उसमें क्या करता था, रोमांच मरता था, एकदम वंडरफुल वाला काम करता था वो, और एकदम उसको मतलब डालने की कोशिश करता था जो बनावटी उसकी घटना होती उसको बताता था। एग्जाम्पल के तौर पर उसने क्या, वो एक कहने की वजह क्या करता है, वो एक बार एक बताता है कि एक बार रोड पर जो है एक मतलब अपरूटेड पेड़ था, मतलब बड़ा हुआ पेड़ गिरा हुआ था, और वह अपनी ये करते हैं अपनी आईब्रोज को थोड़ा हिसाब से मतलब उठाते हैं, बड़े मतलब हाथ उठाकर नाटकीय अंदाज में कहता कि बोलता कि सड़क बड़ी सुनसान थी और वो बिल्कुल अलोन था। बोलता अचानक उसकी नज़र जो थी एक सड़क पर पड़ी, एक ऐसी इस पर पड़ी जो एक बड़ी विशाल थी और बड़ी जानवर जैसी लग रही थी बड़ी सी। बट बोलते हैं उसकी हाफ इच्छा ही पूरी हुई कि घूम कर वापिस चला जाऊँ उसके पास। बोलते जैसे ही वो मतलब वो करीब गया, बोलता मैंने जैसे ही करीब गया तो बोलता मैंने क्या देखा, बैग क्या देखता है, एक उखड़ा हुआ वृक्ष था और उसने उसकी सूखी जो टहनी फैली हुई थी। बट वो उसने किस बारे सोचा था कि कोई ऐसा बड़ा जानवर गिरा हुआ, वो डरता था उससे। देन महेंद्र ने उसके बाद क्या किया, जो टेंट वगैरह था उसकी जो अपनी कुर्सी पर अंगड़ाई लेता हुआ वो वहाँ से मतलब वो चला जाता है और फिर बिना आलोचना किए वो उसकी मतलब इस बार की किस्से सुनता है वो। तो द नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया था कि जिस जगह से बोलता है कि मैं आया हुआ था वो क्या था, एक टिम्बर जो था मतलब लकड़ी के काम के लिए मशीन था, वहाँ पर इस बन कर जाता और वहाँ भी अपने स्टोरी सुनाना शुरू कर देता। चारों तरफ क्या बताता है वो, लकड़ी से भरे हुए मतलब जंगल बताते होते थे वहाँ पर। वहाँ पर क्या होता था, जो हाथी थे वो बड़े बड़े मतलब लकड़ियों के गट्ठे जो थे वो उठाते थे और वो उनके ट्रकों में चढ़ाते थे वो, और वे जानवर कहते थे बहुत ही हेल्दी हुआ करते थे, बहुत अच्छे हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े बीस्ट थे वो। देन दे टर कभी कभी क्या होता है भाई, मतलब वो मुड़ते थे मतलब कभी कभी हिंसक भी हो जाते थे, जो उनका खाना एक्सपीरियंस जो मोहब्बत होता था जो उसकी रक्षा करता है जो व्यक्ति मतलब हाथियों को कंट्रोल में करता है, कभी वो भी मतलब उनको कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार जो है वो इंट्रोडक्शन के बाद क्या करता है, ईश्वर हाथी से संबंधित एक और मतलब डिस्क्रिप्शन जो है सुनाना आरम्भ कर देते हैं। तो अगला डिस्क्रिप्शन क्या बताते हैं, फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ, वन डे टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगन टू रोम अबाउट स्टैम्पिंग ऑन द बुशेस tearing up wild creepers and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. This one would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. तो यहाँ पर क्या बताता है वो, बांडे की एक बार क्या होता है, a tusker escaped from the timber yard. व्यक्ति जो है मतलब वहाँ पर क्या बताता है वो कि वो वहाँ पर लकड़ी के मतलब वहाँ से वो भाग निकलता है, जो हाथ का वहाँ लकड़ियों का काम होता है वहाँ पर ही मर्जी से मतलब वो निकल जाता है और फिर वो
वाली बेलियां वगैरह होती हैं, उनको खींचते हैं और उधर घूमता है। बट बोलते हैं कि यू नो, आप जानते हो कि हाथी जब जो होता है कि जब वो मैट हो जाता है तो किस प्रकार का बिहेव करता है। इस वन की ये कहानी क्या, उसमें रोमांच में वो इतना हो जाता है कि वो उसमें जब सुना रहा होता है तो फ्लोर से एकदम उठ जाता है और वो एकदम क्या कहता है मैड हाथी की, मतलब वो उसमें जो है कॉपी करता है, नकल करता है और उछलता है, वो हाथी की तरह बन जाते हैं, दिखाता है कि किस तरह वो हाथी करता है। देन इसके बाद जो है द एलिफेंट रीच द आउटस्किट्स ऑफ द अपर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स, ही वुड कंटिन्यू इट गेम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश ऑल द स्टॉल्स सेलिंग क्लोथ्स मड स्पोर्ट एंड क्लॉथ्स, पीपल रैन हेल्डर स्केल्टर इन पैनिक। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड व्हेन चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट, द बीस्ट ग्रंटेड एंड बांटेड अबाउट पुलिंग आउट द वॉलीबॉल गोल पोस्ट कीरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट किकिंग एंड flattening the trump cap for water and uprooted the shrubs. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school's building. From there, they helplessly watched the depredation of the elephant. There was not a soul below on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over me suddenly. I grabbed a can from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening, but I moved slowly towards it, stick in hand. People were watching the scene, hypnotized. From nearby housetops, the elephant looked at me red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and stamped it loudly at that moment. I moved forward and, mustering all my force, wagged its third toenail on the twig. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. Now understand the explanation? So, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब उधर एक बड़ा हाथी जो ये करते हैं एक माचिस की तीलियों की तरह, मतलब वो तोड़ते हुए पूरे शहर में एक उसमें जो होता ना पहुँच गया, वैसा बताता है वो नकल कर रहा था और बताता है कि हाथी इस तरह पहुँच जैसे माचिस के तीलियों को तोड़ते हैं, वैसे ही मतलब जो भी पेड़ आ रहे रास्ते में, जो भी चीज़ें दीवारें कुछ भी आ रहा था उनको वो तोड़ता हुआ आ रहा था। और फिर ईश्वर आगे बताता है कि वो एक बार फिर वो मेन रोड पर आ गया, वहाँ पर उसने क्या किया, फ्रूट्स थे, मटके थे और छोटी छोटी जो दुकानें थी क्लॉथ्स वगैरह की, वो सारी उसने मतलब तोड़ वगैरह मतलब खराब कर दी। और लोग क्या करने लगे, पैनिक में दूर भागे वो। देन हाथी ने क्या किया उसके बाद, वो ईंट की दीवार बनी उसको तोड़ दिया और एकदम स्कूल में घुस गया जहाँ पर चिल्ड्रन उसने प्ले कर रहे थे, मतलब खेल रहे थे। तो सारे लड़के अपनी क्लासेस में भागे और उस सभी ने दरवाजों को जो है बंद कर लिया। बट हाथी जो था मतलब वो एकदम आवाज सिंघाड़ता वो करता हुआ वहाँ घूमता रहा और उसने फुटबॉल का जो गोल पोस्ट है उसको फाड़ दिया और जो वॉलीबॉल की जो नेट थी बोतल को जाने की थी वो भी उसने फाड़ दी, पानी वाला ड्रम गिरा दिया उसको बिचका दिया और सारे प्लांट्स जो है वो भी फाड़ दिए। इसी बीच क्या होता है कि स्कूल के सारे टीचर्स हैं वो स्कूल के जो बिल्डिंग थी उसकी मतलब टेरेस पर चलेगी, छत पर चलेगी, वहाँ पर मतलब वो वहाँ से क्या उन्होंने एकदम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, मतलब असहाय होकर हाथी के उत्पादकों को देख रहे थे। अब सड़कें ऐसे खाली थी जैसे मानो पूरा शहर के निवासी जाने जो गायब हो गए थे। तो इस बार बताता है कि मतलब मैं उस वक्त जो था वो मतलब जो प्राइमरी टाइप की दो क्लासेस होती थी और वहाँ पर पढ़ा करता था वो, उसका अब वो छत से सारा नाटक देख रहा था वह सब बताते हैं। बट बोलते मुझे नहीं पता था कि बट वो सडनली क्या होता है, मतलब उसे एक प्लान या आइडिया आया उसके मन, मतलब मैंने उसमें एक टीचर से क्या छड़ी छीन ली और सीधा ही सीढ़ी से दौड़ता हुआ एक खुले पहले प्लेस में पहुंच गया जहाँ और वहाँ पर हाथी ने चिंगाड़ा उसने धमकी और एक दाद में क्या बोला हाथी को, मतलब उसकी तरफ मतलब जो स्टिक पकड़ी थी मतलब वो पेड़ की डाल की तरह मतलब ऊपर को उछाली और उसने अपने पैर पट के और जोर जोर से मतलब धूल मिट्टी उठने लगी उसने हाथी, मतलब उसने पैर पट कर रहा था। बट बोलते बड़ा डरावना लग रहा था, जब मैंने छड़ी पकड़ी हुई तो बोलो धीरे से वो मेरी तरफ पड़ा, बट आस पास के जो घरों के छतों पर लोग थे वो सब इस दृश्य को देख रहे थे। हाथी एकदम रेड आइड हो गया था, गुस्से से लाल हो गया था, उसने बोलता है इस बार बोलता है मेरी तरफ देखा, तो बोलता है उसने अपनी सूंड उठा
आई और जोर से आवाज़ की उसने, मतलब उस इसमें दैट टाइम बोलते मैं भी उसी तरफ बढ़ा आगे और मैंने अपनी सारी जो कॉन्फिडेंस था, जो हिम्मत थी वो जुड़ाई और उसका जो मतलब उसके पैर का जो थर्ड टोनेल था, तीसरा नाखून था, तीसरा नाखून पर जोर से जो छड़ी थी उसके बाद उसको वो मार दी। पर एक पल के लिए तो उसको लगा कि मतलब वो जानबूझ होता, मतलब वो एकदम स्टन हो गया, एकदम जैसे बिजली पड़ गई उसके ऊपर, स्तब्ध हो गया एकदम। तो उसके बाद बोलते हैं बस सिर से पैर तक कांपा, बड़ा कांपने लगा और वो गिर गया हाथी। Next video. Okay, thank you.